जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब बुलेट पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट LDC के लिए लगभग हमारा रोज क्लास चलता है दोस्तों। तो आज क्लास नंबर 22 के मॉडल पेपर की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। पिछले जो क्लास नहीं देखी तो देख सकते हैं, आपके LDC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है GK का, इसमें GK और हिंदी दोनों कवर करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन मेरे से रहने वाला है GK का। तो दोस्तों 131 नंबर सवाल है, राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी मेरे शेर? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर भी होगा, जमनालाल बजाज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कांवड़िया जो पंथ है उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा देवता थे? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे शेर, डी हो जाएगा, रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक संगठित आंदोलन किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? वो उसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मेरे शेर क्या होगा, जरा दीजिए देखें। इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूँ, बिजोलिया। क्या होगा? बिजोलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में सत्यकथन है। राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में सत्यकथन है, इसकी स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुआ था। चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली के चांदनी चौक में है, यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। इसका मुख्य कार्यालय कानपुर में रखा गया है। तो इन दोनों राइट होंगे या एक राइट होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों भी। इसका मुख्यालय भी कानपुर में है और इसकी स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणी देवी और भगवती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से था? नारायणी देवी भगवती देवी का जो प्रजामंडल का संबंध किस से था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर, मेवाड़ हो जाएगा। क्या होगा? मेवाड़ होगा। 24 जनवरी 1939 माणिक्यलाल की वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी। नारायणी देवी कौन थी? माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रीधर अंधारे का संबंध किस चित्र शैली से है? श्रीधर अंधारे का संबंध है जो कौन से चित्र शैली से है? तो इसका राइट आंसर मेरे शेर क्या होगा? देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली कहाँ पे है? देवगढ़ शैली है मेरे शेर राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा माओजी। किसने की थी? माओजी कब की थी? 1714 ईस्वी में। कब की थी? 1714 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्न कथन किस प्रिंट से संबंधित है? यह अंकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में लाल व हरा रंग प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रिंट में लाल व हरा रंग प्रयोग में लाया जाता है। यह अंकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर मेरे शेर क्या होगा? दाबू प्रिंट। क्या होगा? दाबू प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ के लोग भवन निर्माण हेतु पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर मेरे शेर क्या होगा? भी होगा। कौन सा होगा? गणेश्वर होगा। क्या होगा? गणेश्वर। GK का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? किसने की थी भाई? नागौर के दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा, राव कल्याणमल ने की थी, और राव हर राय ने की थी, और उदय सिंह ने की थी। तो दोस्तों इन तीनों ने ही अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी होगा। इसका राइट आंसर है क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। तो अब दोस्तों हिंदी के 10 क्वेश्चन हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं मेरे शेर। तो दोस्तों हिंदी की बात करते हैं,
हिंदी का पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हिंदी का है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपयोगता, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी, वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो, अलपंगे। तो इसका राइट आंसर मेरे शेर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों एवं उसके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में कौन सा युग्म असंगत है। इसमें एक युग्म है जो असंगत है, प्रकाशित प्रकाश में लाए जाने योग्य, पूजे पूजने योग्य, पोषित पाला पोषा हुआ, मुमुसा मोक्ष पाने की इच्छा। तो इसका राइट आंसर मेरे शेर क्या होगा, प्रकाशित प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। इनमें कौन सा एक जो उत्तर होगा जिसमें विलोम शब्द सही नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये होगा नाश विनाश। क्या होगा, नाश विनाश। नाश का विलोम शब्द निर्माण होता है, विनाश नहीं होता है, नाश का विलोम शब्द निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कुछ युग्म में परस्पर विलोम शब्द सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर मेरे शेर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा, शुद्ध विशुद्ध। क्या होगा, शुद्ध विशुद्ध। शुद्ध का विलोम शब्द अशुद्ध होता है, विशुद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा शांत प्रशांत। क्या होगा, शांत प्रशांत। शांत का विलोम शब्द अशांत होता है, प्रशांत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर 36 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर होगा विग अभिग। तो दोस्तों विग का विलोम शब्द अग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल धोत रूपक रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये तीनों शब्द कौन किसके पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर डी होगा, चांदी। चांदी का पर्यायवाची और चांदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन आपको चांदी से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची कौन होगा मेरे शेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ए होगा, पनग। क्या होगा, पनग सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है, निजी, रंजनी, यामिनी। तो दोस्तों इनमें से एक अशुद्ध जो पर्यायवाची है ही नहीं और इसमें दिए गए हैं, तो उसका विकल्प को चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, नीरज वारिज जलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है। कौन सा वे विकल्प है जिसमें सभी शब्द पर्याय नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। क्या होगा, अस्सी कुरपाण सुरिका। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, हमारी रोज क्लास चलती है। और एक दोस्तों आपको बात बता दूं, रात के 7:15 पे अग्निवीर की लाइव क्लास रोज चलती है, जो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और 7:15 पे रोज अग्निवीर की लाइव क्लास होती है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।